वेलकम टू स्वाद कुकिंग इंस्टीट्यूट, इंडियाज लीडिंग प्लेटफॉर्म टू लर्न कुकिंग एंड बेकिंग। मैं शेफ अनिल, फैकल्टी ऑफ स्वाद कुकिंग इंस्टीट्यूट, जी हाँ, लेकर आया हूँ आपके लिए दिल्ली की सड़कों से एक ऐसी रेसिपी जो आपको पसंद आएगी। मैं बनाने वाला हूँ आज दिल्ली स्टाइल में तवा पनीर रोल। कैसे बनता है तवा पनीर रोल? यूनिक स्टाइल में क्रिस्पी पराठा और उसके साथ में बनने वाली मज़ेदार स्टफिंग, जो कि पनीर और वेजिटेबल के कॉम्बिनेशन में हमने बनाई है। तो चलिए बनाते हैं हम तवा स्टाइल पनीर रोल। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं दिल्ली स्टाइल तवा रोल। तवा रोल बनाने के लिए सबसे पहले हम बनाएंगे उसका बेस पराठा, और पराठे के बाद बनाएंगे स्टफिंग। तो चलिए पराठा कैसे बनाना है वो देख लेते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे लिया हुआ है मैदा, और मैदे में ऐड करेंगे थोड़ा सा सॉल्ट। सॉल्ट ऐड करने के बाद में इसमें डालेंगे थोड़ा सा ऑयल, उसके बाद इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा मिल्क, और फिर इसको अच्छे से बाइंड कर लेंगे। थोड़ा सा आप इसमें पानी भी ऐड कर सकते हो, थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करेंगे। थोड़ा सा मैदा लेंगे डस्टिंग के लिए, और इसको अच्छे से नीट करेंगे। नहीं, पानी एकदम कम, मीडियम, अच्छे से इसको नीट करना है। हाँ, जितना अच्छे से इसको नीट करेंगे उतना अच्छे से इसका टेक्सचर डेवलप होगा। ये भी जो आटा लगा हुआ है वो सब क्लीन हो जाएगा। जो कंसिस्टेंसी है वो मीडियम रखनी है, बहुत ज़्यादा लूज नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए। इसके डो को हम बनाने के बाद कम से कम 2 से 3 मिनट या 5 मिनट के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, गीले कपड़े से ढक देंगे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं तवा रोल। ये डो हमारा रेडी हो गया है, अब हम बनाना स्टार्ट कर रहे हैं तवा रोल। तवा रोल बनाने के लिए हल्का सा ऑयल लगा लेंगे पहले हाथों में। ओके, इसको अच्छे से बेल लेना है, इस तरह से आप बेल लीजिए। सबसे पहले इसको इस तरह से फ्लैट बेल लीजिए, उसके बाद हल्का सा ऑयल लगाएंगे, और फिर इसको इस तरह से लच्छा पराठा की तरह रोल कर लीजिए इस तरह से। ये हमने इसको रोल कर लिया, फिर से वापस से इसको बेल लेना है आपको। ये देखिए, इस तरह से इसको बेलना है, वापस से थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे अच्छे से। जितना ये स्ट्रेच हो उतना अच्छा है, जितना बड़ा आप इसको बेल सकते हैं ना उतना बेलना है आपको। फिर इसको पलट लीजिए, पलट के आपको साइड जितनी है ना उतनी इसकी पतली कर लेनी। पराठा हमारा बनके हो गया है तैयार, और अब हम इसको तवे पर सेक लेंगे। साइड से पतला कर लीजिए, पराठा हमेशा से साइड से पतला होना चाहिए, और अब इसको हम तवे पर इस तरह से डाल देंगे। इसको अच्छे से सेक लेना है इस तरह से। नीचे मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला हुआ था। फ्लेम मीडियम रखनी है, और अच्छे से इसके ऊपर ऑयल थोड़ा सा ड्रॉप करेंगे। ऑयल थोड़ा थोड़ा ड्रॉप करते रहिए, अच्छे से इसको क्रिस्पी करना है हमें। ये देखिए कितना अच्छे से क्रिस्पी हो गया। तो चलिए पराठा हमारा बनके तैयार हो गया है, और ये मैं पराठा निकाल लेता हूँ यहाँ पर, ये पराठा मैंने रख दिया है। अब हम तैयार करेंगे इसकी स्टफिंग यहीं पर। तो चलिए अब हम इसका बना रहे हैं स्टफिंग। स्टफिंग बनाने के लिए मैंने यहाँ पे तवे पर ही ले लिया है थोड़ा सा ऑयल, और अब मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ थोड़ा सा जीरा। जीरा ऐड करने के बाद में मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ थोड़ा सा जिंजर, थोड़ा सा गार्लिक, और थोड़ी सी ग्रीन चिली। ये देखिए, तो हम करेंगे सौते थोड़ा सा, और जैसे ये सौते हो जाए हम इसमें डाल देंगे स्लाइस अनियन, और स्लाइस अनियन को करेंगे सौते। स्लाइस अनियन के बाद हम इसमें डालेंगे स्लाइस कैप्सिकम, थोड़े से हम डालेंगे इसमें बेल पेपर्स, इसको करेंगे सौते अच्छे से। सौते होने के साथ साथ हम इसमें डाल देंगे थोड़े से टमाटर, वो भी हम जुलियन कटिंग करके डालेंगे। देखिए यहाँ पे हम थोड़े से जुलियन टमाटो कट कर लेते हैं, थोड़े से हम ऐड करेंगे इसमें टमाटर। अब इसको करेंगे अच्छे से मिक्स। फ्लेम रखेंगे हम हाई, और हाई फ्लेम पे इसको कुक करेंगे।
थोड़ी सी हम ऐड करेंगे इसमें टमेटो प्यूरी, और इसके बाद इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर, हल्दी पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ा सा हम डालेंगे इसमें सॉल्ट, इसको करेंगे अच्छे से मिक्स। अब हम डालेंगे इसमें पनीर के पीसेस। पनीर के पीसेस हमें लेने हैं एकदम लंबे लंबे, ये देखिए पनीर के लंबे लंबे पीसेस मैंने कट कर लिए हैं, और हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, एकदम ड्राई रखना है इसको। और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी क्रीम, ये देखिए थोड़ी सी मैं क्रीम ऐड कर रहा हूँ इसमें, फ्रेश क्रीम है अमूल की। देखिए बहुत ही बढ़िया मसालेदार ये पनीर बना है हमारा, और तवा जो तवा रोल होते हैं ना, मोस्टली इसी तरीके की स्टफिंग, जो लोग नॉन वेजिटेरियन है वो चिकन भी ऐड कर सकते हैं, एग भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये हम बना रहे हैं प्योर वेजिटेरियन फॉर्म में। अब इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा हरा धनिया, और गैस को कर देंगे बंद। बहुत ही मज़ेदार मसालेदार ये हमारा पनीर बना है। मसाला बन के तैयार हो गया हमारा, अब हम इसकी करेंगे पराठे में स्टफिंग। अब बारी है स्टफिंग रखने की। तवा रोल जब कभी भी आप बनाएं तो इसी तरह से स्टफिंग को प्लेस करें, पनीर के पीसेस को इसी तरह से आपको रखना है वन बाय वन। और अब इसके ऊपर थोड़ा सा ऐड करेंगे टमाटो केचप, थोड़ा सा ऐड करेंगे यहाँ पे मिंट मेयो। मिंट मेयो की जगह पे आप प्लेन मेयो भी डाल सकते हो, तंदूरी मेयो भी डाल सकते हो, आपकी चॉइस है, लेकिन मिंट मेयो का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। दैट्स इट। आप चाहें तो उसमें सैलेड भी प्लेस कर सकते हैं, लेकिन आई डोंट नीड कि तवा रोल में आपको कोई सैलेड प्लेस करने की जरूरत है। इसी तरह से आप इसको फोल्ड करें इस तरह से, ठीक है, इस तरह से फोल्ड करके इस तरह से, और इसको हाफ बाहर निकाल के इस तरह से भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। आप इसको आधा बाहर निकाल लीजिए और इसको इस तरह से फोल्ड करना है आपको, और इसी तरह से इसको सर्व किया जाता है। ये बन गया हमारा तवा रोल। तो देखा आपने किस तरह से एक लच्छेदार पराठा बना के हमने क्रिस्पी, और बनाई हमने तवे पर एक मजेदार स्टफिंग, और इस स्टफिंग को स्टफ किया इस पराठे में और बटर पेपर में रोल करके, जब आप इसको खाएंगे मजा आ जाएगा। बहुत ही बढ़िया यूनिक एंड स्पेशल रेसिपी, बहुत ही अच्छे से ये बनी है। आई होप कि आपको ये पसंद आई हो। अगर आपको ये पसंद आया हो वीडियो, तो इस वीडियो को ज़रूर से लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट में आपको ज़रूर बताना है आपके सजेशंस और नई रेसिपीज़ के बारे में। आगे भी इसी तरह के वीडियोज़ में हम मिलते रहेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। क्या आप जानते हो कि स्वाद कुकिंग इंस्टीट्यूट की एप्लीकेशन भी है जो 250 प्लस कंट्रीज में वैलिड है? नहीं सिर्फ इंडिया से, इंडिया के बाहर से भी बहुत इजीली हमारे ऑनलाइन वर्कशॉप आप एनरोल कर सकते हो, एंड 15,000 के वर्कशॉप एब्सोल्युटली फ्री है हमारी एप्लीकेशन पे। तो हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए नीचे दी गई लिंक पे क्लिक करो, डाउनलोड करो एंड लर्न फ्रॉम गुजरात्स नंबर 1 कुकिंग इंस्टीट्यूट।